अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आइए इनायतुल्ला सीरीज़ के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है मैं गुनाहगार थी मगर शहजादी थी। तो आइए शुरू करते हैं। लोग कहते थे कि ये असमत फरोशी का अड्डा है। हमने भी वही सच मान लिया था जो लोग कहते थे। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि किसी के ख़िलाफ़ कोई बुरी बात 10 परतों में बैठकर करो तो फौरन मशहूर हो जाती है, और लोग इसे सिर्फ सच ही नहीं मान लेते बल्कि अपने पास से मिर्च मसाला लगाकर इसे और ज़्यादा लजीज और काबिल कबूल बनाते हैं। वो घर हमारे महल से खासा दूर एक और महल में था। वहाँ हमारी दो सहेलियाँ रहती थीं। पहले पहल उन्होंने उंगलियां दांतों में देकर हमें सुनाया था कि इनके महल में एक जोड़ा किराए के मकान में आया है। वो नौजवान हैं, उनका भी कोई बच्चा नहीं। लड़की अच्छी खासी खूबसूरत है और आदमी भी खूबसूरत है। वो दोनों महल में किसी से बात नहीं करते, अड़ोस पड़ोस में किसी से मेल मुलाकात नहीं। सुबह पहले ये आदमी बाहर निकल जाता है, फिर 1.5-2 घंटे बाद लड़की निकल जाती है। शाम के वक्त इकट्ठे आते हैं, तीसरे चौथे रोज़ रात को बाहर चले जाते हैं और बहुत देर से आते हैं। महल्ले के लोग कहते हैं कि ये दोनों इसमत फरोश हैं, इसलिए कोई औरत इनके घर नहीं जाती। ये कोई नई या अजीब चीज़ नहीं थी और ना ही कोई अजीब खबर थी। हमारे माशरे में कौन सी बुराई नहीं, कौन सा महल्ला पाक रह गया है। हमारी इन दो सहेलियों ने इस जोड़े के मुतालिक और भी बहुत सी बातें बताई। हम दोनों भी इन सहेलियों से मिलने जाया करते थे। हमने इस लड़की को अपने घर से निकलते देखा, एक रोज़ इसके खामिंद को भी देखा। हम इतनी तजुर्बेकार तो नहीं कि सूरत देखकर बता दें कि ये औरत शरीफ है या बदमाश। बदमाशों की कोई ख़ास निशानी तो होती नहीं। अलबत्ता हमारे जहन में असमत फरोश औरत का एक घिनौना और मकरूसा तसव्वुर था। इस लड़की को हमने इस तसव्वुर से मुख्तलिफ पाया। इसके चेहरे में जहाँ कशिश थी वहाँ उदासी का साया भी साफ नज़र आता था। हमें बताया गया था कि तवाइफें बड़ा शौक मेकअप किए रखती हैं, बाल ख़ास ढंग से बनाती हैं और चाल ढाल शरीफ औरतों से बहुत ही मुख्तलिफ होती है। हमने इस लड़की में ऐसी कोई निशानी न देखी, लेकिन हमने इसे शरीफ लड़की नहीं समझा क्योंकि महल्ले में लोग बसूक से कहते थे कि वो शरीफ नहीं। बहरहाल जो कुछ भी था हमारी दिलचस्पी की चीज़ थी और हम दोनों ने उसे मिलने का फ़ैसला कर लिया। हमने इसके रोज़मर्रा का मामूल मालूम कर लिया था और एक रोज़ हम इसके घर में दाखिल हो गईं। वो एक कमरे का खस्ता सा मकान था जिसमें छोटा सा एक बावर्ची खाना, ज़रा जितना बैतुल खुला और 3-4 गज़ चौड़ा सहन था। इसके दाएं और बाएं 2 मंजिला मकान थे और इसके ऊपर भी एक मकान था, और जिस ड्योड़ी में से गुजरकर इस मकान में दाखिल हुए थे इस पर भी एक मकान था जिसकी 2 मंजिलें ऊपर तक चली गई थीं। हम जब इस मकान में दाखिल हुई तो दिल यूं घबरा गए जैसे हमें कब्र में उतार दिया गया हो। हर कमरा अंधेरा गार था जिसमें दिन के वक्त भी बल्ब चल रहा था। दीवारें गीली थीं, किवाड़ खोखों की बेकार सी तख्तियों के बने हुए थे। कमरे में मूंज की 2 चारपाइयां रखी थीं और इन पर करीबाना से बिस्तर बिछे हुए थे। सिर्फ एक कुर्सी थी और दीवार के साथ एक ट्रंक और उस पर एक अटैची केस रखा था। दीवार में गाड़ी हुई कीलों के साथ इन दोनों के कपड़े लटक रहे थे। ये मकान और इसकी हर एक चीज़ बता रही थी कि यहाँ वो लोग रहते हैं जो दिन भर मेहनत और मजदूरी करके भी पेट नहीं भर सकते। इस किस्म के घटिया और कारों की तरह के मकानों में गरीब और कम आमदनी वाले लोग रहा करते हैं। इर्द गिर्द और ऊपर रहने वाले लोग इसी क्लास के थे। एक एक मकान 2-2, 3-3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ था। देवड़ियाँ मुश्तरक थीं। हम जब इसके घर में दाखिल हुई तो अस्सलाम वालेकुम कहा। वो कमरे के दरवाजे में खड़ी रही और उसने हमारे सलाम का जवाब ना दिया और ऐसी नज़रों से हमें देखने लगी जिनमें हैरत थी, जैसे हम गलती से उसके घर में दाखिल हो गई हों। वो दरवाजे में ही खड़ी रही और हम सहन की 2 गज चौड़ाई अबूर करके उसके करीब जा खड़ी हुई। तब उसने कहा, कैसे? आपसे मिलने आई हैं। मुझसे? जी आपसे। आइए।
हम कमरे में दाखिल हो गईं। उसने कुर्सी सरकाई, हम चारपाई पर बैठ गईं और वो कुर्सी पर बैठ गई। हमने कमरे का जायज़ा लिया, फिर उसे देखा। वो किसी मजदूर या चपरासी की बीवी मालूम नहीं होती थी। उसके चेहरे को हम गोरा नहीं कह सकते। बहरहाल पुरकशिश रंग था और लड़की बिलाशुबा खूबसूरत है। हमें पहला ख्याल यही आया कि ये ऐसी वैसी जैसी मशहूर है तो इसके घर की ये हालत ना होती। इसकी शक्लो सूरत, कद बुद और उम्र ऐसी थी कि अपनी जितनी भी कीमत मांगती कोई पैसे वाला इसे दे देता। वो कुर्सी पर बैठी हुई हमें देख रही थी और सरूर हैरान हो रही थी कि हम इसके घर क्यों आई हैं। हम उल्लुओं की तरह कभी कमरे को देख लेती और कभी उसे देख लेती। आप मेरे पास क्यों आई हैं, उसने छुनछुलाकर पूछा। हम चौंकी और एक दूसरे की तरफ देखा। उसके मुतालिक हमारे जहन साफ होते तो हम क्यों चुप न बैठी रहती। समझ में नहीं आ रही थी कि बात कैसे शुरू करें और क्या बात करें। आखिर हमने पहला सवाल किया, आपके खामिद हैं? जी नहीं, उसने जलकर कहा। वो मेरे दलाल हैं, यही पूछने आई हो ना? मैं तवायफ हूँ, मैं इस कुएं में आ छुपी थी कि लोग मुझे यहाँ नहीं देख सकेंगे, मगर तुम लोगों की नज़रें ऐसी फटी हुई हैं कि तुम्हें अपनी करतूत नज़र नहीं आती और गुनाहगार दूसरे को कहते हो। उसके गुस्से और एहतजाज ने हमारे दिमाग खोल दिए और हमारी झिझक भी दूर कर दी। हमने इसे बताया कि हम इस महल की नहीं बड़े दूर के महल की रहने वाली हैं, हमें कुछ खबर नहीं कि वो कौन है और क्या है। हमने इसे बताया कि हमारी दो सहेलियां यहाँ रहती हैं जिनसे हमें मालूम हुआ है कि लोगों ने इसे बिलावजह बदनाम कर रखा है। हम जासूसी या तफ्तीश करने नहीं आईं। इसके बाद हमारे दरमियान जो बातें हुईं इनमें दर्द और खलूस था जो जल्द ही बेतकल्लुफी में बदल गया। वो हमारी नीयत को पहचान चुकी थी। उसने कहा, मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम गलत है कि मैं तवायफ हूँ, लेकिन मैं ये दावा भी नहीं कर सकती कि मैं पाक साफ हूँ। मैं गुनाहों से भागकर इस अंधेरी कोठरी में आकर छुपी हूँ। इसे अपने काम के लिए बाहर जाना था। उसने हमें दूसरे दिन बुलाया, हम दूसरे दिन उसके यहाँ गए। उसने चाय का तरद्दुद कर रखा था और अपनी दास्तान सुनाने के मूड में थी। इधर उधर की बातों के बाद उसने जो किस्सा सुनाया वो हम मुख्तसर करके उसी के अल्फाज में पेश करती हैं। मैं इन ख़ानदानों में से एक की लड़की हूँ जो अमीर नहीं होते और अपने आप को गरीब भी नहीं कहलाना चाहते। मिडिल क्लास की यही खराबी होती है कि इसके लोग अपनी गुर्बत छुपाने के लिए एक दूसरे के सामने डेंगे मारते रहते हैं। मसलन पलंग के लिए एक नई चादर खरीदेंगे तो सारे महल्ले को दिखाते फिरेंगे। औरतों में ये मर्ज ज़्यादा होता है। इसके साथ ये खूबी भी होती है कि दरमियाने दर्जे के घरानों में इज्जत और आबरू का पूरा ख्याल रखा जाता है। लड़की को इज्जत का निशान समझा जाता है। वो वक्त याद आता है तो मेरा दिल लहू के आंसू रोता है जब मैं इन पाबंदियों और पर्दे से नफरत किया करती थी। मैंने इसे पसमानदगी कहा था, आज इसकी सज़ा भुगत रही हूँ। मेरी उम्र उस वक्त 13 साल थी जब मुझे पर्दे में बिठा दिया गया था। फिर मैं स्कूल बुरके में जाती रही। मुझे बुरका अच्छा लगता था, घर का माहौल बुरके के ऐन मुताबिक था। मेरे वालिद की आमदनी थोड़ी और औलाद बहुत थी, इस पर कम अकली ये कि तनख्वाह तो नहीं बढ़ती थी, औलाद बढ़ती जा रही थी। मकान अपना था, फिर महंगाई बढ़ने लगी, इसके साथ ही रिश्वत भी बढ़ने लगी। औलाद बढ़ गई, मेरे वालदैन के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया। इसका नुकसान तबीयत पर पड़ा। 8 बच्चे घर में तूफान खड़ा किए रखते थे। हम आपस में लड़ने लगे, गाली गलौज करते थे, फिर हमारी पिटाई होती थी। मेरे वालिद तबीयत के बड़े अच्छे हुआ करते थे, मगर वो हर वक्त गुस्से में रहने लगे। दफ्तर से आते और अलग कमरे में जाके लेट जाते। कभी वो हमारी माँ को डांट टपट करते और कभी माँ इन पर बरस पड़ती। इस तरह घर में कोई सुकून ना रहा। मेरी हालत ये थी कि जितनी देर स्कूल में रहती खुश रहती। घर से बेशत होने लगी थी। मेरे बड़े भाई ने एफए पास कर लिया तो इसे मेरे वालिद की कोशिशों से ऐसे महकमे में नौकरी मिल गई जहां रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता था। मेरे भाई की माहवार तनख्वाह 200 रुपये थी, लेकिन बाज़ोकात वो 200 रुपये एक दिन में ही खल ले आता था। मालूम होता था कि वो रिश्वत लेने का माहिर था और
अफसरों को भी खूब हिस्सा दिया करता था, इसीलिए इसके दफ्तर के बड़े ओहदों के आदमी हमारे घर आते रहते थे। एक साल में ही हमारे घर का नक्शा ही बदल गया। तमाम बच्चों को अच्छे कपड़े मिलने लगे, घर में सोफ़ा सेट आ गया, बहुत सी और नई चीज़ें आईं। एक साल गुजरा तो मेरे दूसरे भाई ने मैट्रिक पास कर लिया। बड़े भाई ने इसे भी अपने महकमे में नौकर करा दिया। थोड़ा ही अरसा गुजरा तो हमारे घर में कोठी बनाने की बातें होने लगीं। मैं उस वक्त 7वीं जमात में पढ़ती थी, मुझे बुर्का पहना दिया गया था। 8वीं जमात में गई तो बुर्का उतरवा दिया और मुझे इस घटिया से स्कूल से हटाकर एक अंग्रेज़ी स्कूल में दाखिल करा दिया। दूसरे बच्चों को भी अंग्रेज़ी स्कूल में दाखिल करा दिया गया और हम अमीर हो गए। अमीर तो वो भी होते हैं जो आदात और इखलाक से करीब लगते हैं। वो हलाल की कमाई को छुपा छुपा कर रखते हैं, मगर हमें खुदा ने छत फाड़ कर दौलत दी थी। मेरे भाइयों के दिमाग ख़राब हो गए, वो तो जवान थे। मेरी माँ भी पटरी से उतर गई, उसने दुल्हनों की तरह जेवरात पहनने शुरू कर दिए और घरों में जा जाकर नुमाइश करने लगी। मेरी दो बहनें मुझसे छोटी थीं, मेरी मंगनी 10-11 साल की उम्र में कर दी गई थी। वालदेन ने अमीरी के नशे में मंगनी मनसूख कर दी। भाई एडवांस हो गए, शलवार कमीज पहनने वाले बड़े ही कीमती सूट पहनने लगे। अगर ये दौलत हलाल की होती तो मेरे माँ बाप सोच समझ कर खर्च करते, पुराना मकान बेचकर कोठी बना लेते, मगर पैसा जिस तरह पानी की तरह आता था इसी तरह शोबाजी और दावतों में उड़ जाता था। भाइयों ने घर के एक कमरे को ड्राइंग रूम बनाया और इसे खूब सजाया, इसमें दोस्तों की दावतें होती थीं। दोस्त नौजवान थे, ये सब इन घरों के लड़के थे जहाँ ठेकेदारियों की या रिश्वत की दौलत आती थी। इनकी हरकतें नासेबा होती थीं, चीख चीख कर कह कहे लगाते थे, सिगरेट पीते थे और शायद बाहर से शराब पीकर भी आते थे। हमारे घर में शराब अभी नहीं आई थी। मेरे भाई इन ओबाश अमीरजादों के रंग में रंगे गए। मैंने मैट्रिक पास कर लिया तो मुझे कॉलेज में दाखिल करा दिया गया था। घर में आने वाले दोस्तों के साथ भाइयों ने मेरा तारुफ भी करा दिया। इसकी ज़रूरत इन्हें यह पेश आई थी कि भाई मुझे सोशल बनाना चाहते थे। कॉलेज में मुझे तालीम से तो कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, मैं सिर्फ फैशन के तौर पर कॉलेज जाती थी, इसलिए वहाँ मेरा दोस्ताना शोबाज लड़कियों से हो गया। वो अमीरों की लड़कियाँ थीं, नए फैशन के मॉडल बनकर कॉलेज में आती थीं। मैं नए फैशन के कपड़े पहन तो लेती थी, बातें करते हुए आधे लफ्ज अंग्रेज़ी के बोलती थी, लेकिन मेरा जहन इस पुराने महल्ले की गलियों से अभी बाहर नहीं निकला था। घर की चार दीवारी की कैद का असर जो बचपन से जहन में समाया हुआ था अभी तक पाँव की जंजीर बना हुआ था। बाप की गुर्बत के दौरान घर में जो बेमजगी पैदा हो गई थी इसका असर भी था। मैं कुछ घुटी घुटी रहती थी, हस्ती तो मैं ज़रूर थी मगर यूँ लगता था जैसे किसी चीज़ ने मेरा गला दबा लिया है। मैं समझ नहीं सकती थी कि मुझ में कौन सी कमी है। हालांकि लड़कियों ने मुझे कई बार कहा था तुम बड़ी स्वीट हो, उन्होंने मुझे एहसास दिलाया था कि मैं खूबसूरत हूँ, फिर भी मेरे सीने में जंग सा जमा हुआ था। एक रोज़ दो लड़कियाँ मुझे सुबह 11 बजे के शो में अंग्रेज़ी पिक्चर दिखाने ले गईं। यह अंग्रेज़ी की पहली पिक्चर थी जो मैं देख रही थी। इसमें ऐसे ऐसे सीन थे कि मेरा जिस्म कांप कांप जाता था। मुझ में अभी शर्म मौजूद थी। पिक्चर ख़त्म हुई तो मेरी सहेलियों ने पिक्चर पर तबसरे करके मेरी शर्म दूर कर दी। उस रात मेरे जहन में बड़े गंदे गंदे ख्याल आते रहे। मैं पिक्चर के हीरो के साथ हीरोइन बनी रही। एक रोज़ एक सहेली ने मुझे उर्दू का एक नावल दिया और कहा कि पर्स में छुपा लो, रात को पढ़ना। मैंने नावल छुपा लिया और रात को खोला, ये उर्दू का नावल था। मर्द औरत को इस तरह पेश किया गया था और वही अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे जो मर्द गलियों में बकते फिरते हैं। कोई बात ढकी छुपी नहीं थी। वो मेरे लिए बड़ी ही पुरलुत्फ़ और उसके साथ ही बड़ी ही मुसीबत की रात थी। तुम दोनों शरीफ लड़कियां मालूम होती हो, इसलिए मैं उरिया लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहती। ये समझ लो कि मैं ये महसूस कर रही थी कि जैसे मुझ में आग समा गई है। मैंने ये छोटा सा नावल रात को ही पढ़ लिया और सुबह सहेली को वापस किया और ऐसे ही एक और नावल का मुतालबा किया। इसके अल्फाज मुझे आज तक याद हैं। उसने कहा
ये कोहिनूर का हीरा तो नहीं जो तुम्हें मिल ना सकता हो। ये तस्वीरें और ये नावल थोड़े से पैसों से मिल सकते हैं। उन लड़कियों ने मुझे वो बुक स्टॉल और छोटी सी एक लाइब्रेरी दिखा दी जहाँ से मुझे ये कंधे नावल मिलने लगे। ये लाइब्रेरियाँ तुम दोनों ने भी देखी होंगी, ये आज भी हमारे महलों में मौजूद हैं। ये नावल वहाँ छुपा कर रखे हुए होते हैं। कच्चे जहन के लड़के और लड़कियाँ ये वहाँ से चोरी छुपे हासिल करते और देखते हैं। इनके असर से इन बच्चों का जो हशर होता है वो मेरे हशर से तुम पर वाज़े हो जाएगा। मैं तुम्हें अपनी कहानी तुम्हारी ख्वाहिश पर नहीं सुना रही। मेरा दिल मचल रहा था कि अपने मुल्क के बुज़ुर्गों और लीडरों को अपना आप दिखाऊं और उन्हें कहूं कि मुझे देखो और कौम के बच्चों को तबाही से बचाओ। मेरा जहन चार दीवारी का घुटा हुआ था। मेहनत के बगैर हासिल की हुई दौलत ने दीवारें तोड़ दी थी। मैंने अखलाक की जंजीरें भी तोड़ दी। इसी को मैं हाई स्टैंडर्ड समझती थी, बाकी सब पसमानदगी थी। मेरे भाइयों ने मुझ में जब बेहयाई की झलक देखी तो वो खुश हुए कि मैं सोशल और एडवांस हो गई हूँ। लेकिन जिसे मैं आज बेहयाई कह रही हूँ उसे मैं उस वक्त बेहयाई नहीं समझती थी। मेरा दिमाग उस वक्त ज़मीन पर नहीं था। और यह फिल्में देखना आदत बन गई। नंगे नाफिल नशे की सूरत इख्तियार कर गए और मैं हमा वक्त खुद में एक आग सी महसूस करने लगी। मेरी अमीर कबीर सहेलियों के पास इसका इलाज भी मौजूद था। उनके मर्द दोस्त थे जिन्हें वो बॉयफ्रेंड कहा करती थी। उन्होंने इनके साथ मेरा तारुफ़ कराया और मुझे मशवरा दिया कि मैं भी कोई दोस्त ढूंढ लूँ। इत्तेफाक से अपनी सहेलियों में मेरी शक्लो सूरत अच्छी थी। एक रोज़ मेरी एक सहेली के दोस्त ने मुझे रास्ते में रोक लिया। उसने उन्हीं अल्फाज में बातें की जो मैं अंग्रेज़ी और उर्दू फिल्मों में सुना करती थी। ये अल्फाज मुझे बहुत अच्छे लगते थे। इन अल्फाज ने बहुत घर उजाड़े हैं। मैं इसी बेहयाई की दिलदादा थी। मैंने इसकी दोस्ती फ़ौरन कबूल कर ली। मेरा किरदार और अखलाक तो कोई था ही नहीं, रेत की ढेरी थी। दो रोज़ बाद मैं इसके साथ एक होटल के कमरे में बैठी थी। उसने मुझे नहायत पुरतकल्लुफ़ लंच खिलाया। दिन भर के लिए उसने कमरा ले लिया था। हमने कुछ बातें अंग्रेज़ी में की और कुछ पंजाबी में की और कुछ बातें अंग्रेज़ी और पंजाबी दोनों में की। इस दुबले पतले नौजवान ने मुझ पर ऐसा नशा तारी कर दिया कि मेरा जहन और मेरा दिल चार दीवारी की कैद से आज़ाद हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैं अपनी असमत से महरूम हो चुकी थी। अब एक झिझक थी जो दूर हो गई थी। दीवार गिर पड़ी थी, खौफ ख़त्म हो चुका था। अलबत्ता तासुफ सा महसूस हुआ जो इसकी बातों से दूर हो गया। मैं अब पूरी तरह सोशल और एडवांस हो गई। ये नौजवान मेरा दोस्त बन गया। मुझसे पहले वो मेरी सहेली का दोस्त था। वो एक रोज़ मुझ पर टूट पड़ी। हमारी बहुत लड़ाई हुई। मैंने इस लड़के को बताया तो इसने मुझे बताया कि तुम्हारी ये सहेली दोस्तियां करने की आती है। फिर मुझे पता चला कि मेरी सहेलियों का ये गिरोह पूरी तरह बदकारी में डूबा हुआ है। अब मैं भी खुलकर मैदान में आ गई और अपने बॉयफ्रेंड की बातें सहेलियों को बताने लगी। इसके बाद मैं जिस ज़िंदगी में दाखिल हो गई इसे मैं बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की ज़िंदगी समझती थी। इन लोगों को मैं घटिया और पसमानदा कहा करती थी जो इज़्ज़त और इखलाक की बातें किया करते थे। मेरा घर अभी इसी महल्ले में था जहाँ के रहने वालों ने हमें बदनाम करना शुरू कर दिया था। हमारा सबके साथ सोशल बायकॉट हो चुका था, लेकिन हमें किसी की परवाह नहीं थी। वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता गया। मुझे जो रास्ता सहेलियों ने दिखाया था मैंने कॉलेज में नई नई आने वाली लड़कियों को दिखाया। कॉलेज के तीसरे साल में मैं तजुर्बेकार हो चुकी थी। खुदा ने शक्ल सूरत अच्छी दे दी थी और घर में पैसा भी था, मगर अब मुझे घर के पैसे की ज़रूरत नहीं रही थी। मैंने अपनी खूबसूरती और जवानी को चार चांद लगाने के लिए एक्टिंग और ज़बान के जादू में भी कमाल हासिल कर लिया था। मैं इतनी तजुर्बेकार हो गई थी कि एक लेक्चरर के दोस्त को भी फांस लिया था। इस ज़िंदगी और इस दुनिया को मैं जन्नत समझती थी। अंग्रेज़ी की उरियां फिल्में, कंधे नावल मेरे लिए इतने ज़रूरी हो गए थे जितनी रोटी जिस्म के लिए ज़रूरी होती है। ये एक नशा था जिसमें मेरी उम्र गुजरती जा रही थी।
मैं बीए के आखिरी साल में फेल हुई तो मुझे बहुत खुशी हुई। शहर में अंग्रेज़ी तर्ज के होटल खुल गए थे, देसी तर्ज के जो शरीफाना होटल थे, इनमें से भी पास ने यूरोपियन होटलों के तौर तरीके इख्तियार कर लिए। इनके तहखानों में पाकिस्तान के नौजवान लड़कों और लड़कियों ने अंग्रेज़ी डांस सीखने शुरू कर दिए, फिर वो हिप्पी बन गए, चर्स और शराब चलने लगी। मैं कई बार इन तहखानों में गई, मगर ये तहखानों ने मुझे आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। हम लड़के और लड़कियां पागलों की तरह नाचते और हैवानों की तरह एक दूसरे से दिल बहलाते थे। तुम दोनों ये ना समझना कि मेरे भाग आने से वहाँ कोई तब्दीली आ गई है। वहाँ अब भी हमारी पूरी नस्ल चर्स, शराब, हिप्पी नाच, हुल्लड़बाजी और बदकारी में तबाह हो रही है। अगर तुम वहाँ जाकर इन लड़कों और लड़कियों को देखोगी तो तुम्हें लगेगा कि ये पाकिस्तानी नहीं हैं, ये समंदर पार की कोई जंगली नस्ल है जो इतने कीमती कपड़े पहनकर हमारे मुल्क के होटलों में खलासत फैलाने के लिए आ गई है। खैर, कुछ दिनों से एक नौजवान आदमी मेरी दोस्ती का थम भरने लगा था। मुझे वो अच्छा लगा था, लेकिन मैं उसे उकताने लगी क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत की बातें करता था और जज्बाती हो जाता था। एक रोज़ उसने मुझे कहा, इस विलायती धमाल में वो लुत्फ नहीं जो असल मोहब्बत में है, आओ बाहर चलें। मैंने झुंझुला कर कहा, और शट अप यू पाकिस्तानी हीरो। वो उदास हो गया। ऐसी हरकतें हम लोग पसमानदगी समझा करते थे। वो जब भी मुझे मिलता जज्बाती होकर मोहब्बत का इजहार करता। वो हर लिहाज से हैप्पी था, लेकिन मेरे साथ उसका सलूक लेला मजनू वाला होता था। मैं समझ गई कि यह आदमी मुझे सिर्फ अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करना चाहता है। मैं से कतराने लगी। फिर मुझे एक नए अमीरजादे ने लपेट में ले लिया और मेरे हाथ में 100 रुपये का नोट दे दिया। वो हर लिहाज से यूरोपियन हिप्पी लगता था। उसने मुझे बाहर चलने को कहा और बताया कि उसकी गाड़ी है। मैं उसके साथ होटल से बाहर आई और उसकी कार में बैठ गई। कार अभी स्टार्ट नहीं हुई थी कि इस जैसे तीन और नौजवान दौड़ते हुए आए और पिछली सीट पर बैठ गए। ये सब नशे में थे और अंग्रेज़ी गाने गा रहे थे। मैं सीट पिटा गई कि मैं इस अकेले के साथ जाना चाहती थी, लेकिन कार स्टार्ट हुई और होटल के गेट से निकलकर हवा हो गई। इन चारों ने कार में उधम मचा रखा था। पिछली सीट वालों ने मुझे परेशान कर दिया। मैं तंग आ गई, लेकिन गुस्से का इजहार पसमानदगी था। वो चीख चीख कर कह कहे लगा रहे थे। गाड़ी शहर से निकलकर वीराने में चली गई और रुक गई। एक ने अंग्रेज़ी में कहा, आओ फर्ज कर लें, हम चार आला नस्ल के कुत्ते हैं और ये हम सबसे आला नस्ल की कुतिया है। सब ने बेहंगम कहका लगा कर दाद दी। गाड़ी के पिछले दरवाजे खुले, मैं अकेली थी और वो चार थे। बिला शक व शुबा उस वक्त उनकी ज़हनी हालत कुत्तों वाली थी। मैं डर गई। मुझे जो ये कहकर लाया था कि आओ बाहर चलें, इसे मैंने कहा कि तुम अकेला आना चाहते थे, ये क्या बदतमीजी है। उसने गुंडों की तरह मुझे गाड़ी से बाहर को घसीट कर कहा, अगर हिम्मत है तो हमारे हाथों से बचने की कोशिश करो। उस वक्त मुझे मालूम नहीं कि गैरत की वो कौन सी रमक थी जो मेरे अंदर जाग गई थी। मैंने उसे कहा, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करो। ये सिर्फ धमकी थी जो एक लड़की ने चार जवान आदमियों को दी, और लड़की भी ऐसी जिसे वो जानते थे कि शरीफ नहीं और सही मायनों में कुतिया ही है। बहरहाल मैं खाली हाथ ही मरने मारने पर तुल गई। सड़क पर एक मोटरसाइकिल या स्कूटर की रोशनी दिखाई थी। हम सड़क से 20-25 गज दूर थे। उनमें से किसी ने भी परवाह न की कि कोई आ रहा है। एक ने मेरा बाजू पकड़ा तो मैं झटके से बाजू छुड़ाकर सड़क की तरफ दौड़ पड़ी। वो चारों मेरे पीछे आए और मुझे पकड़ लिया। इतने में स्कूटर हमारे करीब आ गया, हमारी तरफ मुड़ा और हमारे दरमियान आन रुका। एक आदमी ने उसे धमकी देकर भाग जाने को कहा। मैंने उसे कहा कि ये मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में डालकर ले आए हैं। उसने स्कूटर खड़ा किया, स्टार्ट ही रहने दिया और लाइट भी ऑन रहने दी, जिससे वहाँ रोशनी हो गई। स्कूटर वाले ने अपने सामने वाले के मुंह पर सीधा घूसा मारा तो वो 6-7 कदम पीछे जा पड़ा। फौरन ही उसने दूसरे की नाक में लात मारी तो वो दोहरा होकर ज़मीन पर तड़पने लगा। इतने में दूसरे दो उस पर टूट पड़े। एक ने पीछे से उसकी गर्दन बाजुओं के घेरे में ले ली और दूसरे ने उसकी पसली में घूसा मारा, लेकिन
स्कूटर की रोशनी में मुझे एक पत्थर नजर आ गया। मैंने वो उठाकर उसके सर पर मारा जिसने इस आदमी को पीछे से जकड़ रखा था। वो तेवराकर परे जा पड़ा और एक रह गया था। अब उसे इस आदमी ने सिर्फ दो घूसों में गिरा दिया। वो गाड़ी की तरफ भागे और गाड़ी स्टार्ट करके भाग गए। उस वक्त मैंने स्कूटर की रोशनी में देखा कि ये वो नौजवान था जो मुझे सच्ची मोहब्बत के सबक दिया करता था। वो जिस्म से इतना ताकतवर नज़र नहीं आता था मगर उसने चारों को मारकर भगा दिया था। दो तो कार में भाग गए और दो नहायत बरखुरदारी से एक तरफ चल पड़े। वो दुबले पतले मरियल मरियल से नौजवान थे। नशे और आवारगी ने इनकी सारी ताकत छीन ली थी। उनके भागने के बाद अब मैं इस जवान मर्द के सामने अकेली रह गई थी। वो कमर पर हाथ रखकर मेरे सामने खड़ा हो गया। इसका सांस फूल गया था। वो एक दो मिनट मुझे देखता रहा और अचानक उसने इस कदर जोर से मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा कि मेरी आंखों के सामने सितारे घूमने लगे। मैं गिरने लगी तो उसने मुझे बाजू से पकड़ा और झटका देकर सीधा कर लिया। बड़े गुस्से से बोला, कुछ होश आई? मैं कुछ भी ना बोली। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और घसीट कर स्कूटर तक ले गया। कहने लगा, बैठो। मैं पिछली सीट पर बैठ गई और वो स्कूटर चलाकर दूसरी तरफ से मुझे शहर में ले आया। रात आधी गुजर गई थी। उसने एक जगह स्कूटर रोक लिया, मुझे उतरने को कहा। स्कूटर खड़ा करके उसने कहा, मैं भी इसी सोसाइटी का आदमी हूँ। मुझे कुछ पता नहीं कि इखलाक कैसे कहते हैं, मगर तुम्हें पहले रोज़ ही देखा तो तुम्हारी हरकतों और बातों से मैं समझ गया कि तुम्हारी असलियत कुछ और है, लेकिन तुम कुछ और बनने की कोशिश कर रही हो। मैं तुमसे ज़्यादा बदकार हूँ। मैं भी दूसरों की तरह तुम्हारे साथ इस किस्म की दोस्ती कर सकता था जिसकी तुम आदी हो गई थी। तुम्हें देखकर मालूम नहीं मैं क्यों शरीफ आदमी बन गया। तुमने मुझे जाहिल समझा। मैं इन चारों को अच्छी तरह से जानता हूँ। जब ये कार वाला तुम्हें बाहर ले जा रहा था उस वक्त मेरी नज़र उस पर थी। उसने अपने दोस्तों को इशारा किया था जो मैंने देख लिया था। जब वो तुम्हें गाड़ी में बिठाकर होटल से निकले तो मैं स्कूटर पर तुम्हारे पीछे गया, लेकिन कार बहुत तेज़ थी। फिर भी मैं वक्त पर पहुँच गया। अगर मैं ना पहुँचता तो सब लोग वहाँ से तुम्हारी लाश उठाते। वो सब नशे में थे। उसने मुझे दूसरे रोज़ मिलने के लिए कहा और स्कूटर पर बिठाकर मुझे मेरे महल्ले के करीब उतार गया। मैं नहीं बता सकती कि मुझ में ये तब्दीली क्यों आई कि मुझे अपने आप से भी नफ़रत होने लगी। शायद वो जज्बात अभी मरे नहीं थे जो इंसान को इंसानियत के दायरे में पाबंद रखते हैं। इस आदमी का थप्पड़ मेरे मुंह को जला रहा था और इसके साथ ही उन चारों की ये फप्ती मेरे कानों में गूंज रही थी कि ये आला नस्ल की कुतिया है। मैं जब अपने घर वाली गली में दाखिल हुई तो मेरी बहनों, यकीन करना, मुझे दीवारों से भी यही आवाज़ सुनाई दे रही थी कि ये कुतिया है। और इसके साथ ही अंधेरे में से किसी का हाथ मेरे मुंह पर ज़ोर से थप्पड़ मारता और मैं चकरा जाती। अपने दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा बड़े भाई ने खोला। वह अभी सोया नहीं था, उसके कोई दोस्त आए हुए थे। उसने मुझे ज़रा नरमी से डांटा कि मैं इतनी देर से आई हूँ। मैंने जब बताया कि सहेलियाँ पिक्चर पर ले गई थीं तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। बड़े काम का एक आदमी बिठा रखा है, हमारे महकमे का अफसर है, इसकी बीवी मर गई है, और आओ तुम्हारा तारुफ करा दूँ। मैं अपने आप में नहीं थी। इस अफसर के सामने जाकर एक्टिंग करनी पड़ी। वो अधेड़ उम्र आदमी था। चूँकि मेरे भाई के महकमे का अफसर था इसलिए मैं बड़े अच्छे अंदाज से उसे मिली। थोड़ी देर बाद मैं लेट गई लेकिन नींद ना आई। तबीयत जल रही थी। अंधेरे कमरे में रह रहकर यही एक आवाज़ सुनाई देती थी, ये कुतिया है, और मेरे मुंह पर थप्पड़ का दर्द ताज़ा हो जाता। अजब बात यह है कि इस दर्द में मुझे लज्जत महसूस हो रही थी। रात इसी बेचैनी में गुजर गई। मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहनों और बड़े भाइयों के मुतालिक तो कुछ नहीं बताया क्योंकि बातें बड़ी लंबी हो जाएंगी। सिर्फ ये बताती हूँ कि मेरे बड़े भाई अभी तक गैर शादीशुदा थे। उन्होंने अमीर कबीर और ऊंचे दो तीन घरों से रिश्ता मांगा था, लेकिन इन्हें बड़ा ही जलील जवाब मिला था। वो लोग हमारे घर की असलियत से वाकिफ़ थे। वो हराम के पैसे से मुतासिर ना हुए।
बिरादरी में बात चलाने की कोशिश की तो वहाँ से भी धुतकार दिए गए, क्योंकि हम पर बदकारी का और महल्ले बिरादरी वालों से नफरत करने का इल्ज़ाम था। महल्ले वालों ने अपनी जवान लड़कियों को हमारे घर में आने से मना कर रखा था। मैंने पहले तो कभी परवाह नहीं की थी, अब मुझे एक धक्का लगा तो मेरा दिमाग कुछ रोशन हो गया। मुझे अपनी हैसियत यह नज़र आने लगी कि महल्ले और बिरादरी में मैं बदकार थी और हमें धुतकार दिया गया था, और अपनी बाहर की सोसाइटी में मैं कुतिया थी। रात सख्त बेचैनी में गुजार कर दूसरे दिन मैं उससे मिली जिसने मुझे उन चार कुत्तों से छुड़ाया था। वो भी हैप्पी था। मुझे तवक्को थी कि वो मुझे किसी होटल में ले जाएगा जहाँ मेरे साथ वही खेल खेलेगा, लेकिन मैं उसकी गिरविदा हो गई थी और पहली बार मेरे अंदर यह एहसास पैदा हुआ कि मर्द शक्ल सूरत के हुस्न और कीमती कपड़ों से ऊंचा नहीं होता, उसका असल वस्फ मर्दानगी है। इसमें मर्दानगी थी और मैं दिली दिल में अपना आप उसके सुपुर्द कर चुकी थी। मगर वो मिला तो किसी होटल में ले जाने की बजाय मुझे एक बाग में ले गया और हम एक दरख्त के नीचे बैठ गए। उसने कोई बेहुदा बात ना की बल्कि बड़ी आम सी बातें करता रहा। उसके लहजे में शोबाजी नहीं थी, ये उसका पैदाइशी और कुदरती रंग था। मुझे उसकी बातें और लहजा अच्छा लगा। इसके बाद हम मिलते रहे और बेतकल्लुफ़ हो गए, लेकिन ये बेतकल्लुफ़ी गलत नहीं थी। उसने मेरे हाथ को भी हाथ नहीं लगाया। मैंने उसे साफ साफ बता दिया कि मेरा घराना कैसा था और वहाँ दौलत किस तरह आई और मैं किस तरह गुमराह हुई। मैंने ऐसी बात कभी किसी से नहीं की थी। मैं तो अपने आप को ख़ानदानी लैंडलॉर्ड बताया करती थी। इस शख्स ने मुझ पर ऐसा जादू कर दिया जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इसे अपनी असलियत बता दूँ। इससे मुझे अजीब सा करार और लुत्फ महसूस हुआ, जैसे मैंने जहर उगल दिया हो। फिर हम इसी तरह कुदरती रंग में बातें किया करते और मेरी रूह सच्चे प्यार से वाकिफ हुई। हम दोनों ने होटलों वगैरह में जाना छोड़ दिया था, मगर उन लोगों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। दो दफ़ा लड़कों ने उस पर हमला किया, एक बार वो ज़ख्मी भी हो गया। मुझे अगवा की धमकियाँ दी गईं, हमारा पीछा भी किया गया और ये हमारे लिए एक ख़तरा बन गया। उसके पास कोई पैसा नहीं था कि अपने तीन चार हिमायती खरीद सकता। मगरिब की आवारगी में पड़े हुए इन नौजवानों का किरदार इस किस्म का होता है कि वह एक दूसरे के लिए कोई कुर्बानी नहीं कर सकते। इनके दिलों में एक दूसरे का प्यार भी नहीं हो सकता। इनमें से जो अमीर कबीर होते हैं और जो ऐश कराते हैं, खर्चा करते हैं, वो दोस्तों की एक फ़ौज इकट्ठी कर लेते हैं। मेरे साथी के पास तो कुछ भी नहीं था, वो खाने वाला था, खिला नहीं सकता था। इसके पास चर्ब जवानी और एक्टिंग थी। वो वालदेन का पहला बच्चा था जिसे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार से बिगाड़ दिया था। वो अपनी हर जिद पूरी करा लेता था। चार साल का हुआ तो घर में दूसरा बच्चा पैदा हुआ, फिर दो साल के बाद एक और बच्चा पैदा होने लगा। पहला बच्चा प्यार का और हर जिद पूरी करने का आदि था। इसके लिए प्यार ना रहा, स्कूल दाखिल कराने लगे तो वहाँ से भागा था। बाप ने उसे पीटना शुरू कर दिया, फिर उस्तादों ने भी उसकी मार पिटाई शुरू कर दी। घर में पांच बच्चे हो चुके थे और ये 12 साल की उम्र में आवारा हो गया। इसने अमीर घरों के लड़कों के साथ दोस्ती कर ली, उन्हें उल्लू बनाकर उनसे पैसे बटोर लेता और ऐश करता। 17-18 साल की उम्र में वो तजुर्बे का धोखेबाज बन चुका था, जुआ भी खेलता था। उसने दो तीन आवारा लड़कों को फांस लिया और अमीरों के आवारा और नौजवान बेटों को ऐश कराने लगा। फिर वो इनका दोस्त बन गया और ज़बान और एक्टिंग के साथ उनकी जेबों पर खूब ऐश करता रहा। मुझे अपनी असलियत बताकर वो एक रोज़ रो पड़ा और कहने लगा कि मुझे सुकून कहीं नहीं मिला, न शराब में, न चर्च में और न ही किसी और चीज़ में। पागलों की तरह नाच नाच कर भी मेरे अंदर एक बेकरारी सी रहती थी और मैं उससे परेशान था। उसने कहा कि मैं जिस वक्त तुम्हें इन लोगों से छुड़ाने जा रहा था तो मुझे उम्मीद थी कि इनसे मार खाऊंगा, लेकिन मालूम नहीं मुझ में इतनी जुर्रत और ताकत कहां से आ गई कि मैंने इन चारों को मार भगाया। तुम्हें इनसे बचाकर मुझे वही सुकून मिला जो मैं ढूंढता फिरता था। वो मेरा मशकूर था कि मैंने इसे मोहब्बत देकर तबाही से बचा लिया है, लेकिन दरअसल मशकूर मैं थी।
उसने एक रोज़ कहा कि ऐसा मालूम होता है जैसे हम दोनों बच्चे हैं और घर का रास्ता भूलकर किसी जंगल में इकट्ठे हो गए हैं। वो ठीक कहता था, इसका अब कोई ठिकाना नहीं था। अपने हैप्पी दोस्तों से मिलना वो तर्क कर चुका था, अपने घर वो जाना नहीं चाहता था। कहता था कि वो अपने घर चला जाए तो इसे कोई नहीं पूछता, महीना भर ना जाए तो भी इसे कोई नहीं पूछता। मैं इसे अपने घर नहीं रख सकती थी, कुछ पैसे दे दिया करती थी। मैं कॉलेज तो एक अरसे से नहीं गई थी। एक रोज़ भाई ने मुझे ये खबर सुनाई कि वो मेरी शादी उस अधेड़ उम्र अफसर के साथ तय कर चुका है जिसके साथ उसने मेरा उस रात तारुफ कराया था जब मैं उन चार कुंडों से बचकर घर पहुंची थी। मैंने साफ इनकार कर दिया। दोनों भाइयों ने मुझे मनाने की कोशिश की और बताया कि अगर मैंने उनके अफसर के साथ शादी कर ली तो वो दोनों भाइयों को तरक्की भी दिला देगा और ऐसी जगह लगा देगा जहां वारे न्यारे होंगे। मैंने भाइयों की एक न सुनी। मेरा ये उम्मीदवार मुझसे 26 साल बड़ा था। इसके दो बेटे और दो बेटियां थीं और ये मेरे अब्बा की उम्र का था। अगर मुझ में इनकलाब ना गया होता तो मैं इस बूढ़े के साथ शादी कर लेती, रस्मी तौर पर इसकी बीवी बनी रहती। लेकिन अब मामला कुछ और था। मैंने साफ इनकार कर दिया तो भाइयों ने मुझे ये दलील दी कि अपनी बिरादरी में तो कोई मुझे कबूल करने को तैयार नहीं और बाहर के लोगों को भी हमारे मुतालिक सब कुछ पता चल चुका है, लिहाजा ये मौका अच्छा है, अच्छी हैसियत वाला एक आदमी मिल रहा है। मैंने ये दलील भी ना मानी तो भाइयों ने मुझे ज़बरदस्ती ब्याह देने की धमकियाँ देना शुरू कर दीं और मुझे घर से निकलने से मना कर दिया। मेरी माँ भी भाइयों की हिमायत करती थी और बाप भी यही चाहता था कि मैं भाइयों की बात मान लूँ। मैं ना मानी, मुझ पर पाबंदियाँ आयद करती गईं। मैं अपने वालदेन और भाइयों की इस हिमाकत पर हैरान होती थी कि मुझे इतनी ज़्यादा आज़ादी देकर मुझे कभी ये भी नहीं पूछा था कि मैं रात इतनी देर तक कहाँ रहती हूँ। और अब वो 7 साल बाद मुझ पर पाबंदियाँ आयद कर रहे थे। मैं एक रोज़ बाहर निकल गई, अपने साथी से मिली और उसके साथ प्रोग्राम तय कर लिया। रात को बड़े भाई ने पूछा, तुमने क्या फैसला किया है? मैंने जवाब दिया कि दिन मुकर्रर कर लो, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मेरे भाई और माँ बाप बहुत खुश हुए, उन्हें मेरी बड़ी अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद लग गई थी। मैंने दूसरे दिन भाई से कहा कि मैं कपड़े और सेवरात बनवाना चाहती हूँ और अपनी पसंद के ही बनाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे 3-4 हज़ार रुपया दे दें। 2 रोज़ बाद मुझे 3 हज़ार रुपया मिल गया। मुझे बाहर जाने की खुली छुट्टी मिल गई। मैंने 700 रुपया माँ के सूटकेस में से निकाला। दिन के वक्त अपने साथी से मिली और इसी शाम हम दोनों गाड़ी में बैठे और जब गाड़ी चल पड़ी तो मेरा आबाई शहर दूर, बहुत दूर पीछे रह गया था। मुझे कोई ख़तरा नहीं था, मैं बालिग थी। फिर मैंने शादी कर ली। फिर बड़ी ही अजियतनाक तलाश के बाद ये मकान किराए पर मिल गया। अब सवाल नौकरी का था, इसके लिए हमें बहुत ही जलीलो ख़्वार होना पड़ा। अपने पास खासी रकम थी, वो खर्च होती रही। हमने घर की कोई चीज़ नहीं बनाई ताकि नौकरी मिलने तक रकम ख़त्म ना हो जाए। नौकरी तलाश करने के दौरान मुझे जो तजुर्बे हुए वो बड़े ही शर्मनाक हैं। मुझे नौकरी मिल सकती थी लेकिन वो लोग मुझसे जो कीमत मांगते थे वो मैं अब देने को तैयार नहीं थी। मेरा मालिक अब ये आदमी है जिसने मुझे इन चार कुंडों से बचाया और थप्पड़ मारकर मुझे जगा दिया था। अल्लाह गारत करे इन लोगों को जिनके दरमियान हम रहते हैं। किसी ने हमसे इतना भी ना पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, अजनबी हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताना। इन लोगों ने हमें शक की निगाहों से देखना शुरू कर दिया। एक रोज़ यहाँ के दो बुज़ुर्गों ने मेरे खामिन से कहा कि ये शरीफों का महल्ला है, यहाँ शरीफों की तरह रहना। फिर इन जाहिल लोगों ने मुझे तवाइफ बना डाला। हम अपने चक्कर में बड़े परेशान हो रहे थे। सारा दिन दर दर की ठोकरें खाते गुजर जाता था और ये लोग हमारी मुसीबत से लाताल्लुक हमें बदनाम किए जा रहे थे। मेरे लिए तवाइफ बनना कोई मुश्किल ना था लेकिन मुश्किलात का मुकाबला करने में लुत्फ सा आता था। और इन कमबख्तों ने यह भी न सोचा कि मैं तवाइफ होती तो इस अंधेरी कोठरी में रहती। 3 महीनों बाद मेरे खामिद को 150 रुपये की नौकरी मिल गई और 1.5-2 महीनों बाद मुझे भी एक प्राइवेट फर्म में जगह मिल गई। अब हम नई ज़िंदगी बना रहे हैं।
انشاءاللہ ایک دو مہینوں بعد کوئی اچھا سا مکان دیکھ کر اس غار سے نکل جائیں گے۔ میری تم سے یہ گزارش ہے کہ میرا نام کسی کو نہ بتانا اور نہ ہی یہ بتانا کہ میں کہاں ہوں۔ اگر تم مجھ سے یہ پوچھو کہ کیا میں زندگی سے مطمئن ہوں تو میں جواب دوں گی نہیں۔ میں کالج سے نکلتی تھی تو دو تین کاروں کے دروازے میرے لیے کھل جاتے تھے۔ میں یورپین ہوٹلوں میں جاتی تھی تو امیرزادے میرے ارد گرد منڈلاتے تھے۔ میں گناہگار تھی مگر شہزادی تھی۔ اب دیکھ لو میں کہاں رہتی ہوں۔ یہ ان گناہوں کی سزا ہے جو میں اطمینان اور سکون سے بھگت رہی ہوں۔ البتہ یہ خوشی ضرور ہے کہ اب پاک ہوں۔